गेट आउट। हम ना जाए मेजर से, हम कुछ गलत नहीं की कहले और ना ही कोनो बदतमीजी करनी। हम इतना बड़ा कांड कहले ई लोग, ओकरे जवाब मांगत रहनी हम तो बस। आखिर आप का कहे चाहत बानी बिरजू? अरे पूछिए लोग से, बताओ बे का बात कही चलत रहे रानी के बारे में। कितना बात घुमावेला तू, राजमाता ही झूठ बोला था, आपन अलगे मतलब निकाला था, हमरा के जाते ही नंदिनी के अकेला देखकर ओकरा के छड़ल शुरू कर देलस। जय सिंह, बिरजू ऐसा कबो नहीं कर सका। हमरा पूरा भरोसा बा, सीरियसली विक्रम, अपन बहन से ज्यादा विश्वास तारा ये गवार पे बा। एकरा कौनो हक ना बनेला हमसे सवाल करे के। अगर सवाल सही बा और जायज बा तो सबके हक बा। हो सकेले बिरजू के नंदनी से जरूरी बात करे के होके। एक्सक्यूज़ मी कुमुद, ई सब का हो रहल बा? कियारा जी, ऊ बहुरानी के कल पहला गंगोर व्रत बा और ओकरा मनावे खातिर ऊ काफी उत्सुक रहनी। ऐसे हम सोचनी कि काहे ना पूरा रीति रिवाज के साथ और धूमधाम से ही मनावल जाए। देखिए हमार दिल कहता व्रत पूरा होत होत बहुरानी अपन घर जरूर वापस आ जाए। गुड आइडिया कुमुद, हम भाभी सा की इच्छा जरूर पूरा करब। सारा तैयारी अच्छा से करी हाँ ना ब्रो? ठीक बा, कल हमने गंगोर पूजा मनाई और हम रानी खाती व्रत भी रखब। कहें कि ये जरूरी ना है ना सिर्फ पत्नी ही अपने पति के लंबा उम्र खातिर व्रत रखे, हम अपने पति भैले का धर्म निभाए। आई जस्ट होप कि रानी जल्दी घर वापस आ जाऊं। कुंवर साहब, जेकरा आप जैसन पति मिलल होके ओकरा कबो कुछ हो ही ना सकेला। कियारा जी, इजरा मूर्ति पकड़ब, हम मंदिर में स्थान साफ कर देता नी, हम भी आपके साथ चलता नी कुमुद। रानी खाती हमार व्रत स्वीकार करी भगवान, आप भले ही हमार वक्त लेके उनके दे दी, उनके हमार उम्र लगा दी, लेकिन प्लीज, लेकिन उनके सही सलामत घर वापस भेज दी।
कियारा जी, मूर्ति। अब हम आपकी हेल्प कर देते हैं। जी चलिए। अब हे जय, कहाँ जात रहला तुम? अपन घर और कहाँ? ओह एक्चुअली हम सोचत रहने कि कल पूजा भी बा और घर में सब लोग बहुत सैड भी बाड़े, काफी तैयारी भी करे के बा, तो तू यही रुक जाना। अब आखिर में तू भी तो फैमिली मेंबर ही बाड़ा। ना कियारा, पॉसिबल हुई तो हम रुक जाती, लेकिन बहुत काम बा हमरा। प्लीज जय, तू इतना तो कर ही सकेला ना नंदिनी और रानी सा खातिर, मान जाना प्लीज। इकरा हमरा के रोके के इतना वैसे रुकिए जाता नहीं, नंदिनी पे इम्प्रेशन झाड़े के तनी और मौका मिल जाए। अब अगर तू इतना जिद करता रहू तो रुक जाता नहीं। कुमुद, फूल अर्पण करी। वीर और बहुरानी के जोड़ी ईशर और गणगौर के तरह बा। हे भोलेनाथ, आज हमारा आपसे बस एगो प्रार्थना बा कि वीर और बहुरानी के जल्द से जल्द मिलवा दी और उ दोनों के रिश्ता के आप और गणगौर के रिश्ता के तरह एकदम मजबूत बना दी। कुआरी नहीं की, हमार धर्म पत्नी है रानी वीर सिंह राजावत। आप सबके हिम्मत कैसे भइल हमरे पत्नी के साथे ऐसन बर्ताव करे के? हम आपसे नफरत करेनी, आप दिखाए नहीं था कि आप शैतान बानी, पर सच में ऐसा नहीं है, आपके दिल एकदम मोम जैसन बा। नफरत जतावे के हक सिर्फ आपके हका, आपके ईमानदारी से नफरत बा हमके। आज तक आपसे कोनो चीज के मांग न रखले हैं हम, लेकिन आज मांगता नहीं, रानी के सही सलामत वापस ला दी, अब और इंतजार ना कर सके नहीं, उनके प्लीज हमके लौटा दें। कुमुद, गुलाब जल नजर ना आ रहा बा, अब हम लेके आ बतानी। विजय, आप यहाँ? रानी कर कुछ पता चला? रानी के लोकेशन के खबर मिल गई बकुवर साहब। ओके तो चली, चल के ले आ जा उनके। हमारी टीम के डिवाइस में उनकर लोकेशन के इन्फॉर्मेशन बा, वो लोग कुछ देर में ही जावत होगी और वही लोग के साथ हम लेके निकल जाए। ठीक बा, जब तक तुम्हारी टीम नहीं आवत, ये इंतजार कर लो।
हे भोलेनाथ, बहुरानी के जल्द से जल्द सही सलामत घर वापस ले आई। दादी साहब, आपके बहुरानी आज वापस घर आई हैं, जरूर आई हैं। बाहर से बंद कैसे बात? ये बंदा लोग भी ना चाय पिए निकल गए हो ये सन। इससे पहले कोई लोग यहाँ पहुंचे, रानी के जल्दी शिफ्ट करेंगे हुई। जाने ला डॉक्टर के भगवान का रूप काहे मानल जाला? काहे कि एक एक्शन, एक इंसिशन, एक हरकत से इंसान के जान बच भी सकेला और ओकर जान जा भी सकेला। तोहरे हमरे बीच में एक के सवाल बजाए और ओकर जवाब भी एक, और वो जवाब हमके सही चाहिए। रानी कहाँ है? कहाँ बड़ी रानी? भगवान, भगवान ना शैतान हो गए बड़ा तू भी। हम नहीं जानत रानी कहाँ पड़ी। अब हम सच कहते नहीं, हम रानी के पता। तोहरे वजह से जिंदगी में पहली बार गलत करे के पड़ल, कानून के खिलाफ जाके रानी सा के भगावे के पड़ल, उनके नजर में गिरे के पड़ल हमके। लेकिन तू कहा था कि तोहके रानी के पता ना पता हाँ? कहाँ पड़ी वो? तुम सच बोलो तो नहीं? कुछ नहीं को बता। कब तक झूठ बोल बचाए? तोरा का लगा था बेवकूफ पानी हमने के यहाँ पे है। बहुते भइल तार सस्ता राजकुमार, सारा कच्चा चिट्टा तार बाहर आ गई बा। अब भी अगर रानी का पता ना बताइला ना तो तार जान ले लेम हम। तू लोग हमार बात सुनत का ही नहीं खा। हम नहीं की जानत रानी कहाँ पिया। हमरा नहीं के पता वीर, प्लीज ट्रस्ट मी। अच्छा तो नंदनी की बेवकूफ बना के यहाँ से पैसा काहे निकलवा लो तू? हमने के सच सच बता दिले बिया। और छुपे के कोनो कोना नहीं के बचल पूछला। हम जानत आनी वीर की नंदनी तो हर छोट बहन बाड़ी, बट अंडरस्टैंड हमरा सॉलिड डाउट बाकी नंदनी हमी सबसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहल बाड़ी। का मतलब? नंदनी आपसे पैसा मंगली और आप दे देनी किया रहा? चैरिटी के नाम पे मंगली वीर, और हम कहा करती? और नंदनी के कैसे मना कर सके नहीं हम। लेकिन आज जब बेसमेंट में हम वो बैग देखनी चंपा के रूम में, तो हमार शक और बढ़ गए। और नंदनी का कहली? नंदनी के पास कोनो जवाब ही ना रहे वीर। इन फैक्ट वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए, फिर अचानक वो कहीं चल गई। आई एम श्योर कोनो बहुत सीरियस बात बा। अरे यार, पैसा नंदनी ले ली,
बैग चंपा के लगे मिलल, ए बीच में हम कहां से आ गए नी? ये आपके घर के मामला है, हमरा कुछ नहीं के पता रानी कहां भी है। बिरजू तोहार और नंदिनी के सब बात सुन ले ले रहा। भाभी साहब कहां पे बानी? भाभी साहब सिंपल बजाय हम चाहती तो वही वक्त तुहार जान ले सकत रनिया, ये वक्त भी ले सके नी। एक नस दबाई वो तुहार सांस छूट जाए, लेकिन हम ऐसा ना करब। कहे कि हमके रानी सही सलामत वापस चाहिए, बतावा। खेल खेल के बड़ा शौक बना तारा, आज तारे के साथे खेला हो गए ससुरा। आखिरी बार पूछा था नहीं हम, अगर जवाब ना देहला तो तुहरे जिंदगी का आखिरी दिन होई। कहां बाड़ी रानी? राजमाता, आज के दिन भोलेनाथ हमनी के नाराज ना करी है, बहुरानी जरूर आई। हमके लागत रहे कि हमार जिंदगी में जितना भी रिश्ता हमके बनावे के रहे उनकर हम बना चुकल बनी, लेकिन फिर बहुरानी हमार जिंदगी में आईनी और हमार दिल में कुछ उ तरह से उतर गई नी कि हमार जिंदगी के हिस्सा बन के रह गई नी। आज हमके उनके बहुत याद आ रहल बा, अगर वो ऐजा होखती ना तो ये मटका अपन हाथ से सजाईती। हाँ राजमाता, वो जरूर आई और ये पूजा भी वो अपना हाथ से ही करी, भरोसा रखी। वीर हमेशा ही परिवार के रक्षा कैले बा मासा, वो रानी के कुछ ना होके दी। आप देखा, बहुत जल्द हमनी के घर के सारा बच्चा सही सलामत लौट आई है। एको जे बेशरम घर में बैठल बा, उनका से जवाब ना मांगा बा। क्यारा, इब का बात कर रहल बानी आप? नंदनी ऐसन का कहले बिया? ना डैड, आई डोंट नो, पता ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भइल होगी। क्यारा, हमनी अंदर चल के बात करब। कम ना, फैमिली के बाद बा फैमिली के सामने करब ना। हो का गेल बा तारा की रंदनी, आई मीन तोहर डैड दादी कितना परेशान बाड़े, वहाँ तोहर भाई अपन जान रिस्क पे लगा के तोहर भाभी सा के छुड़ावे गेल बाड़े और यहाँ पे तू चुपचाप खड़ी सब तमाशा देख रहल बाड़ू। ई कैसन बात कर रहल बानी अब की यारा? नंदिनी के सबके फिकर बा, गलत फहमी बा राजमाता आपके। नंदिनी अब हार्टलेस बन चुकल बाड़ी, एकरा कोनो फर्क ना पड़ेला। जोन भी हो रहल भाई घर में बस ओकर नाम ना आवे के चाहिए। एम आई राइट? नाम साफ साफ बताई कियारा, बात का बा? सीधा सा बात ई बा राजमाता कि अगर नंदिनी चाहे तो रानी के अभी ये वक्त घर में वापस ला सकेली। काहे कि रानी के पता और वो किडनैपर दोनों के जाने ली। कहा? नाम जाने चाहब आप लोग?
जय सिंह। रानी के पायल है, मतलब वो यही कहीं बाड़ी। एक खंडहर है वीर, और खंडहर में तो पुराना ही सामान मिली ना। अरे क्यों के भी हो सकता, हम सच का आता नहीं, हम कुछ नहीं की जाना। प्लीज हमला के छोड़ दा। हम कहीं नहीं, हम कहीं नहीं, और अगर दोबारा मौका मिला तो फिर करें, क्योंकि हमरा रानी सा और नंदिनी के फिकर बा। पर जान लेला सच, हम उनकरा के परेशान नहीं देख सकत। और कहा हो गई, हम तार परिवार के बचाओ तनी, और तू एको गांव वाली खातिर। रानी भी हमार परिवार है, परिवार है वो हमार, समझला, परिवार है हमार, परिवार है हमार, परिवार है हमार। बस करी कुंवर साहब। अरे पूछा ऐसे कि कहां बाड़ी रानी, ना तो जान से मार दे बेके हम। उठा बताओ जय, कहां बाड़ी रानी। पता हुई तब इले बताना देती, एकदम मार काहे खाती। हमार भरोसा करा वीर, हम सच कहते नहीं, हम नेखी जानत, भाग गए लू। कहां बनी आप रानी, कौने हाल में हो खब। कौन है भाई के फोन है, जैसे जुआ में पैसा हारल रानी। हाँ घड़ी कंबा जैसे पैसा ना तो प्रॉपर्टी, तू प्यार से ना देला तो हम उठा लेनी। रानी अब हमनी के कब्जा में भी आ। सुना हमर बात सुना, हम वीर सिंह रजावत बोलता नहीं। ओहो वीर सिंह, खम्मा खड़ी कुंवर सा। तो रानी से कोनो प्रॉब्लम नहीं खे, जोनो लड़ाई बा जय सिंह से बा, तो रानी के छोड़ दा प्लीज। अरे आपके धर्म पत्नी से हमनी के दुश्मनी थोड़े ना बा। एग्जैक्टली परी जय सिंह बाना कुंवर सा, हमरा खूब घुमौला कहा करी, हमरा पास कोनो चारा ही ना बचल। अब एकर लॉटरी के हम आपन बना लेनी, पैसा आप दी या फिर एकरा से हमरा कोनो फर्क नहीं क्या पड़ा। हमनी के हिसाब कर दी और बीवी ले जाई। हाँ ठीक है, कितना? अरे आपके खातिर तो चिल्लर बराबर बा, 20 लाख। लेकिन हाँ गलती से भी मना करे के खुजली उठी ना, या फिर पैसा ना मिला ना तो आपके रंडवा बना दे। एक घंटा बाद तोहरा पास। वो सब तो ठीक बा, लेकिन हम कैसे मान लेंगे रानी आपके पास बाड़ी, वो सही सलामत, हमके देखे एक बा उनके। वीडियो मैसेज भेजले बानी तोहरा, सारा टाइम वीडियो देखे मत निकाल दिया ना तो बीबी से हाथ धो बैठ। मैसेज मैसेज दिखाई।
छोड़ दा। घर पे डॉक्टर साहब और सब परेशान होगी। छोड़ दा के प्लीज हम। सब का आनंद नहीं क्यारा जे कह रहल भी अकाऊ सचबा। हमें को बहुत इम्पोर्टेंट काम में बिजी रानी नंदिनी। रानी पर नजर रखतनी। आप कहीं इतना कह रहल बानी कि भाभी सा के किडनैप आप कहले बानी। अरे आप ही तो काले रानी के कुछ करा। आपके हमार का संभा। प्लीज प्लीज बंद करी ये सब। हमका बाथरूम के गीजर है, जब मन के ऑन कर देनी, जब मन के बंद कर देनी। नंदिनी ये चुप रहे के वक्त नहीं खे, जवाब दी सच का बा। कियारा सच कह रहा अलबिया। हमार घराना में ई तरह के ओछा हरकत के सजा जाने लुआ। आखिर आपके अंदाजा भी बाके आप का कहले बानी और काहे कहले। आपन ही परिवार के सदस्य के साथ, आपन भाभी सा के साथ ई तरह के घिनौना हरकत करे के का जरूरत रहे तोहरा। अगर केहू के भी सच के पता चल गए तो का होगी? जेल हुई और का हुई। हमरा थर्ड डिग्री टॉर्चर मिली और हो सका था हमरा मुझे आपके नाम निकल जा, फिर आप भी गिरफ्तार। और जॉन भाई का फिकर करता नहीं ना, वो आपकी शक्ल देखे से भी मना कर दी। हम कोशिश करत रहनी ना, हम लगल रहनी ना राजेश्वरी के बाहर निकाले खातिर, फिर इतना बड़ बेवकूफी। और अच्छा भइल कि हमरा तरह पे शक हो गई, वरना कब तक ही नाटक करत रहतू तू। कब तक हमनी सब के अंधेरा में रखती? हाँ हमनी सब आपसे पूछ रहल बानी, जवाब दही। हमी सब ना कहले रहनी जैके, हम उनकरा फोर्स ना कहले रहनी। वो जे कुछ भी कहले बानी अपन मर्जी से कहले बानी। ट्रस्ट मी डैड, हमके ना मालूम रही सब। इनफैक्ट हमके तई सब होके के बाद पता चला। लेकिन वो सब कैलस का है हा? मॉम के जेल से बाहर निकाले खाते वो कहले रहने की उनके हमने के बहुत फिकर बा, और यही से वो हमके अपसेट ना देख सके नी। और आप मान भी लेनी, आपके परेशानी दूर करे खातिर जय पूरा घर के हिला के रख देले। बहु रानी के अपहरण कैलस, उनके साथ बदसलूकी कैलस, उनके कितना तकलीफ में डाल देलस, का यह चाहता नहीं आप? बताई हम ऐसन काहे चाहब? आप लोग हमार फैमिली, हम प्यार करता नहीं आप लोग से। हम जानता नहीं कि हम भाभी सा से गुस्सा रहनी और अब भी पानी। उनके वजह से हमार मॉम के जेल जाए के पड़े, मगर हम ये सब कबो ना चले रहनी। हमके ना मालूम रहेगी जय ऐसन करिए हमार भाई के मरिए। हमार यकीन मानी, हम उनके रोके के बहुत कोशिश करी,
लेकिन तब तक भाभी सा वहाँ से भाग चुकल रहनी। या तो तू बेवकूफ बाड़ू या तो बहुत ज्यादा भोली बाड़ू जय सिंह के बात में आ गयलू। तू आपन फैमिली के छोड़ के तू ओकर साथ दे लू। सबके हालत देख के तरह एक बार भी बुरा फील ना भइल। बेचारा वीर इधर से उधर भाग रहल बा, तरह के ओकर भी ख्याल ना आयल। ओकर बारे में सोच के भी एक बार हमने के सच बता देले होक तू नंदिनी। हमके भी हमार भाई की फिकर बाक यारा। तब बात यहाँ तक कैसे पहुँच गए? तो हर वजह से आज हमार पूरा खानदान बिखरल पड़ल बा। न केहू ढंग से खा रहल बा, न सुत रहल बा। राजेश्वरी के अपन घर में छुप के रहे पड़ रहल बा। टाइम देखिए, सुबह के 4 बज रहल बा और हमनी इ बात पे डिस्कशन कर रहल बानी। घर के लड़का बाहर सड़क पे भटक रहल बानी। आज तो हर वजह से पूरा घर सफर कर रहल बा। जब परिवार के अपना ही एक दूसरा के खिलाफ हो जाए तो परिवार के कैसे बांधल रखी भोलेनाथ? हमार मदद करी, वीर और बहू रानी के जल्द से जल्द वापस घर ले आई। विक्रम, रानी कहाँ बिया? मिल गए, बहू रानी मिल गए। कहाँ बिया हो विक्रम? पीछे पीछे आ रहल बिया। हाँ, उनकरा के वार उठा के ले गेल बा। What? इस लाख रुपया मंगले बाद बहुत सारा धमकी दिल पड़े, बहुत खतरनाक लोग बड़े। उनके जितना चाहिए उतना दे दी, लेकिन लेकिन ओकरा बात तो बहुरानी के छोड़ दी है ना। हमरा नहीं पता दादी सा, बस हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, हमके पैसा लेके उन के पास पहुंचे के बाद। मोम कैसे बड़ी? बाबा ठीक बड़ी, अपन कमरा में आराम कर रहे बड़ी। पैसा लेके जाता नहीं, फोन करता नहीं है। विक्रम, क्या रहा? प्लीज अभी ना, हमके बहुत काम बा, हमके पैसा लेके ब्रो के पास जाए के बा, सुबह होके वाला बा। प्लीज तोरा सिर्फ रानी के फिकर बा और रानी साके का पागल हो गेल बड़ू का? मोम बाड़ी हूँ हमार, फिकर कैसे ना हो की हमरा। ऐसे कह रहल बानी की हमने के उनका तुरंत पुलिस के पास लेके जाए के चाहे। आई मीन ये सब जो हो रहल बा उनका केस और बिगड़ जाए। एंड आई डोंट नो व्हाई वीर इतना बड़ा रिस्क काहे लेवे चाह रहल बा। पुलिस बा ना ये पैसा लेके रानी के छुड़ावे खातिर, वो उनकर काम बा वीर के ना। तो हर दिमाग में ये सब बात आवेला कहाँ से? भाभी सब वाइफ बड़े उनकर, लाइफ पार्टनर, समझ में आवेला कुछ? अरे उनकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बा, जिम्मेदारी बा उनकर सबकी। और वीर के सेफ्टी के का ओकर का? हाँ कुछ ना हो कि ब्रो के। और जहाँ तक बात रिस्क की बा, तो ब्रो भाभी सा खातिर कुछ भी कर सके ले। वही तरह जनो तरह भाभी सा ब्रो खातिर कुछ भी कर सके ले। अरे तू देख लू ना, अपन जान पे खेल के बेल करौले वाले उनकर। क्यारा ये तो खूबसूरती होकेला पति पत्नी के रिश्ता के। अरे इनफेक्ट कल के तू कोनो प्रॉब्लम हो तो हम तो हेल्प करेंगे। तू हमरा खातिर कुछ हो ना कर बा, काहे कि तू हमार कुछ हो ना लागेला। हमनी की शादी को बहुत बड़ा गलती रहे, एको एक्सीडेंट रहे। हमने दोनों पति पत्नी नहीं की। हमने के पास इतना वक्त नहीं है विक्रम, प्लीज जल्दी आई। अरे वीर, अरे भाई सुना ना यार, प्लीज हमरा के जायदा अब तक क्लियर हो गया कि रानी हमरा लगे। शट अप, अपने गंदा जुबान से रानी का नाम दोबारा मत लिया, समझ गया? शांत हो जा डॉक्टर, ये बेकार से आदमी के पीछे अपन दिमाग मत गरम करा। हम जाना थे इस ससुरा के मुंह कैसे बंद करे के बा। बोला
बोल के दिखाओ हमरा के। जब तक रानी हमके वापस ना मिल जाता डी, तू यही तरह बंधल रह पा। हेलो सर, हम जयपुर यूनिवर्सिटी से बोला था नी। रानी वीर सिंह रजावत आपके रिश्तेदार बाड़ी का। अब सर फॉर्म पे आपके नंबर मेंशन रहे। जी हाँ, वो हमार वाइफ है। हम वीर सिंह रजावत बोलता नी। सर उनका फोन नहीं खेलागत, प्लीज आप उनका मैसेज दे दी। कुछ फॉर्मेलिटी खातिर उनका आज यूनिवर्सिटी आवे के होगी। एक्चुअली वो आज ना आ पाई है, तनी बिजी बाड़ी। सर डॉक्यूमेंट्स फाइल करे के आज लास्ट डेट बा। अगर आज यूनिवर्सिटी ना चली तो एडमिशन कैंसिल हो जाए। आप बात के समझत क्या नहीं की? हम आपके कहता नहीं, वो थोड़ा बिजी बाड़ी, आज ना आ पाई है। अगर वो आप होती तो हम खुदे ले थी, काहे मना करती आपके? आप जानते नहीं कि हमने रजावत पढ़ाई के कितना इम्पोर्टेंस देनी, कितना यूनिवर्सिटी पर जहाँ हमने के डोनेशन बा। हाँ सर हम जाने नहीं, बाकी आप भी समझी। सर आजकल आप सुर्खी में बाड़े। राजेश्वरी रजावत एक्सीडेंट केस। बाकी हमने यूनिवर्सिटी खातिर आपके और कोनो फेवर ना कर सके नी। अगर हम कुछ ऐसा करे नी तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ होगी। आप अपन वाइफ के समझाएं कि आज कोनो भी तरीका से यूनिवर्सिटी आके फॉर्म फिलअप करे, ना तो एडमिशन कैंसिल हो जाए। हेलो, अरे डॉक्टर का कर तरह फोन टूट जाए, फेंका मत। तो का करी हम, का करी? कितना मेहनत कर ली रानी ये पढ़ाई खातिर। अगर आज यूनिवर्सिटी ना पहुंच ली, फॉर्म ना साइन कर ली, तब पूरा साल बर्बाद हो सकेला बिरजू। आप जानते नहीं कितना खुश रह लिए आगे के पढ़ाई खातिर, ये कोर्स खातिर। और ये यूनिवर्सिटी वाले और हमार भी सपना बा कि बनारस जाके एक अच्छा इंजीनियर बनी। हम थोड़ा देर खातिर अपना सपना के छोड़ले जरूर बनी, पर तोड़ले नहीं की। इहे से इंजीनियर बन के निकला। अब हम आपके दिखावल सपना हम जरूर पूरा करब। और आप देख, अब माता रानी की कसम खा के कहा तानी, फुल फकर फील कराए आपके हम। क्यारा, इतना बड़ बात तू हमरा से छुपौलू? ऐसन का जरूरत पड़ गई रहे क्यारा? ओ अंकल, एक्चुअली बात ई बात। प्लीज क्यारा, इतना इज्जत दता हमरा कि आपके हमार मुंह पे इतना बड़ झूठ मत बोले के पड़े। कैसे भैली सब? वैलेंटाइन्स वाला रात हमने नशा में रहनी और कुछ समझ में ना रहल कि हमने वो सब काहे करल बानी। और जब होश आयल तब पता चलल कि हमने कितना बड़ा गलती कर देनी। ट्रस्ट मी अंकल, हम और विक्रम इस शादी के ना माने नी। अब तक ये बात सबसे छुपौलू का है तू? कौन मुंह से बताईती हम? वीर और हमार रिश्ता टूटे के बाद सोसाइटी में अगर ये बात पता चला तब हमार और हमार फैमिली के बहुत बदनामी होकर और हमार पास कोनो ऑप्शन भी तना रहे। ऐसे हमार विक्रम सोचने की हमने खुदे ये बात से डील कर ले अब और खुदे ये बात के दबा दे अब। I'm really sorry अंकल। दादी साहिब, वीर कैसन बड़ा बेटा? बिल्कुल ठीक नहीं की दादी साहब, कुछ समझ नहीं किया। क्या करी रानी के पता ना चलल, कौने हाल में बाड़ी, कहाँ बाड़ी, कुछ ना पता चलल, ना ही उनके खबर मिलल और ना ही। नहीं कहा बेटा, बात का बा? उनके यूनिवर्सिटी से फोन आयल है, कहत रहला कि आज अगर एडमिशन फॉर्म में साइन ना कैली तब पूरा साल बर्बाद हो सकेला। कहा वो ऐसा कैसे कर सकेले? आप उनकर से बात ना कहनी? हम कोशिश कहनी, बहुत समझौले की कोशिश कहनी दादी सा, लेकिन वो लोग सुने खाती तैयार ही ना बा। अब आप ही बताई का गलती रहला रानी के? दिन रात एक कदे लली पढ़ाई खाती रानी,
इतना मेहनत कर रही हो और अगर आज ही ये फॉर्म पर साइन ना भलता तो रानी की मेहनत तो पानी फिर जाए और उनका इंजीनियर बनने का सपना भी अधूरा रह जाए। रानी डिजर्व ना करे दादी साहब जाने नहीं बात। बेटा आप फिकर मत करें, बहुरानी के साल बर्बाद ना होगी, ये हमारा आपसे वादा बा, समझनी। थैंक यू। आप हमेशा कहत रहनी कि हमनी के रिश्ता बराबरी के बा 50-50, लेकिन हमरे और हमरे परिवार खातिर जो आप कहले बानी वो मैं आप इतना आगे निकल गई बानी रानी की कि आप अपना सपना भुला गए बानी। अब बराबरी कहले का बारी हमार बा, आपका सबसे कीमती सपना टूटले से हम रोकब, ये वादा रहल हमारा।